रीवा में आज अधिवक्ताओं की सुरक्षा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से रीवा सहित प्रदेश भर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को विधानसभा में पारित कर प्रदेश में लागू कर दिया है, उसी तरह से अब मध्य प्रदेश सरकार भी अधिवक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे। दरअसल उक्त मांग आज रीवा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने पहुंचे अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की ओर से की गई है। अधिवक्ता मंच के जिलाध्यक्ष आनंद कुशवाहा ने बताया कि अक्सर दूसरे पक्षकार के द्वारा देश भावना रखते हुए अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमले किए जाते हैं, यहां तक कि अधिवक्ताओं की हत्या तक कर दी जाती है, लेकिन सरकार इसे लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर कई बार सरकार से मांग की जा चुकी है, जिसके लिए पत्र भी भेजे गए, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जिसके चलते अधिवक्ताओं में आक्रोश है। वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त अधिवक्ता मंच की ओर से एक बार फिर सरकार से मांग की जा रही है कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे। अधिवक्ता गण जो है अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की ओर से उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि कर्नाटक सरकार ने जैसे वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके और इसको एक कानूनी रूप दे। अधिवक्ता गण मुकदमे की जब पैरवी करते हैं तो निश्चित ही उनके खिलाफ का जो पक्ष होता है वो उनका दुश्मन हो जाता है और कहीं ना कहीं अधिवक्ता को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। कहने के लिए तो अधिवक्ता जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी जो है विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करके एक कानून का रूप दे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है पूरे मध्य प्रदेश में लागू करे। सिद्धार्थ साहब गुप्ता एडवोकेट, आज हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए ज्ञापन सौंपने आए मुख्यमंत्री जी के नाम। लगातार अधिवक्ताओं के ऊपर दूसरे पक्षकार जो विपक्षी पक्षकार होते हैं उनके द्वारा हमला किया जाता है, जिनसे उनके जान और माल को लगातार खतरा बना रहता है। कई हत्याएं भी ऐसे हो चुकी हैं अधिवक्ताओं की। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जैसे कर्नाटक की तरह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ला के अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसी के लिए आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। जिला न्यायालय में भी कई बार घटनाएं हो, जिला न्यायालय में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता हुई, मारपीट हुई। इन सब चीज़ों को लेके आज हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलते हैं फरियादी और आरोपी दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं न्यायालय के अंदर। बिल्कुल भिड़ जाते हैं, और जो आरोपी होते हैं और जो फरियादी होते हैं उनका जो बीच बचाव या जो अधिवक्ता होता है तो वो भी दुश्मन बन जाता है, वह भी उसे भी लोग दुश्मन समझने लगते हैं दूसरा पक्षकार। इसलिए जो है इसको सुनिश्चित कर और प्रमुखता के रूप से इसे पारित किया जाए। आनंद कुशवाहा, जिला अध्यक्ष, संयुक्त अधिवक्ता।